करें सबनेटिंग की डेफिनेशन की बात करें, इट इज़ अ टेक्निक टू डिवाइड लार्ज कॉम्प्लेक्स नेटवर्क इनटू मल्टीपल सब नेटवर्क, इस कॉल्ड सबनेटिंग। सो सबनेटिंग को हम लोग चार स्टेप में डिस्कस करेंगे, ओके। लाइक फॉर एग्जांपल, कोई भी क्लास का एक नेटवर्क ले लेते हैं, बात करेंगे क्लास सी की। क्लास सी का हमारे पास में एक सबनेट, एक नेटवर्क है लाइक 192.168.1.0/। बाई डिफ़ॉल्ट इसका जो सबनेट मास्क होता है वो /24 में होता है, ओके। तो हम लोग जो सबनेट मास्क यूज़ करने वाले हैं वो /26 यूज़ करने वाले हैं। तो होगा क्या, जब ये स्लैश वैल्यू जो सबनेट मास्क 26 बिट्स में आप यूज़ करेंगे, तो जो एक सिंगल नेटवर्क है वो मल्टीपल सब नेटवर्क में डिवाइड हो जाएगा। तो बात करेंगे एक जो सिंगल सब नेटवर्क जो है आपका कितने सब नेटवर्क में डिवाइड होगा। तो स्टेप नंबर फर्स्ट फॉलो करेंगे, तो आइडेंटिफाई द टोटल नंबर ऑफ सब नेटवर्क। तो हमें टोटल नंबर ऑफ सब नेटवर्क आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे। देखो यार, ये सी क्लास का नेटवर्क है और जो स्लैश वैल्यू यूज़ कर रहे हैं हम लोग 26 बिट यूज़ कर रहे हैं। तो अगर हम लोग /26 की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये 26 बिट है टोटल जो ऑन की हुई है, रिमेनिंग बिट सारी जीरो है, ओके। जो डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क था इसका वो /24 बिट का था, ओके। और यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे 26 बिट यूज़ कर रहे हैं। ये दो बिट होस्ट पोर्शन से हमने कैरी फॉरवर्ड कर लिया है नेटवर्क आईडी में, ओके। तो हम लोग यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सब नेटवर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला इज एन इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ सब नेटवर्क, ओके। सो अगर हमारे पास में यहाँ पे हम लोग अगर यहाँ पे n की वैल्यू कैलकुलेट कर लें तो हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं यहाँ पे कितने नंबर ऑफ सब नेटवर्क बनेंगे, जो सिंगल नेटवर्क है वो कितने नेटवर्क में डिवाइड हो जाएगा। सो n क्या है यहाँ पे, अगर बात करें व्हाट इज n, हियर n आर द बोरो बिट्स फ्रॉम होस्ट आईडी पोर्शन, फ्रॉम होस्ट आईडी पोर्शन। देखो यार, यहाँ पे ये हमारा डिफॉल्ट सबनेट मास्क था, ये हमारा नेटवर्क आईडी का पोर्शन था और ये था हमारा होस्ट आईडी का पोर्शन, लास्ट 8 बिट। तो इसमें से हमने दो बिट्स क्या कर ली, टर्न ऑन कर ली, तो ये हमारे पास में एन आ जाएंगे, ये रिमेनिंग हमारे होस्ट आईडी पोर्शन का रहेगा। सो हमारे पास में हमने कितनी बिट्स बोरो कर ली है नेटवर्क पोर्शन में, दो बिट्स बोरो कर लिए। तो अगर इसको हम लोग फॉर्मूले में पुट करें तो टोटल नंबर ऑफ सब नेटवर्क बनेंगे वो कितने बनेंगे, 4 सब नेटवर्क बनेंगे, ओके। तो फर्स्ट स्टेप में हमने डिस्कस किया जो एक सिंगल नेटवर्क था जिसकी स्लैश वैल्यू, सी क्लास का एक नेटवर्क था जिसकी स्लैश वैल्यू बाई डिफॉल्ट 24 बिट थी। तो एक सिंगल नेटवर्क था, अगर मैं यहाँ पे /26 बिट्स यूज़ कर रहा हूँ स्लैश वैल्यू, तो जो एक सिंगल नेटवर्क है वो 4 सब नेटवर्क में डिवाइड हो जाएगा। स्टेप नंबर 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे, स्टेप नंबर 2 आइडेंटिफाई द
टोटल नंबर ऑफ वैलिड आईपी एड्रेस। In each subnetwork, इसके लिए भी एक फॉर्मूला है H माइनस टू इज इक्वल टू वैलिड आईपी। ओके सो अब हमने यहाँ पे H की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे H क्या है? Here H आर द रिमेनिंग बिट्स इन होस्ट आईडी पोर्शन। ओके सो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था, जैसे ये बाय डिफॉल्ट होस्ट आईडी का पोर्शन था, इसमें से हमने दो बिट्स बोरो कर ली थी नेटवर्क आईडी पोर्शन में, और जो रिमेनिंग बिट्स हैं आपकी वो कितनी है? रिमेनिंग बिट्स आर सिक्स। तो सिक्स हमारे पास में एच आ जाएंगे। सो यह अगर इसको मैं फॉर्मूले में पुट करूँ, सिक्स है हमारे पास में एच की वैल्यू, तो अगर इसको अगर आप कन्वर्ट करेंगे फॉर्मूले में पुट करेंगे इसको, सिक्स माइनस टू इज इक्वल टू वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे 62 नंबर ऑफ वैलिड आईपी रहेंगे ईच सबनेट। देखो यार बाय डिफॉल्ट अगर मैं फिर से बात करूँ, बाय डिफॉल्ट जो सी क्लास का हमारा एक नेटवर्क था, स्लैश वैल्यू क्या यूज़ हो रही थी जब स्लैश वैल्यू 24 बिट, तो एक सी क्लास का एक नेटवर्क जो था वो एक सिंगल नेटवर्क था। मैं स्लैश 26 बिट यूज़ करूँ तो एक सिंगल नेटवर्क फोर सब नेटवर्क में डिवाइड हो जाएगा, और ईच सब नेटवर्क हमें नंबर ऑफ वैलिड आई पी कितने मिलेंगे? 62 नंबर ऑफ वैलिड आई पी मिलेंगे यूज़ करने के लिए। ओके तो ये था हमारा स्टेप नंबर टू। नाउ स्टेप नंबर थ्री, कैलकुलेट द सबनेट मास्क एंड ब्लॉक साइज। अब हमने सबनेट मास्क एंड ब्लॉक साइज कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो ये जो हमारी बिट्स थी स्लैश वैल्यू, उसको हम लोग पहले लिख लेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके तो अगर इसको आप कन्वर्ट करते हैं ये बाइनरी को डेसिमल में, तो वैल्यू क्या आएगी? अगर इन 8 बिट्स को आप कन्वर्ट करोगे वैल्यू आएगी 255। अगर इनको आप कन्वर्ट करते हैं वैल्यू आएगी 255। अगर इन बिट्स को अगर आप कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में तो आ जाएगा 192। यह हमारा रहेगा सबनेट मास्क। ओके इसके बाद में हम लोगों ने कैलकुलेट करना है ब्लॉक साइज। ब्लॉक साइज कैसे कैलकुलेट करते हो यार? ब्लॉक साइज कैलकुलेट करने के दो मेथड है। ब्लॉक साइज का यूज़ क्या है वो अभी आपको नेक्स्ट स्टेप में पता चल जाएगा, यूज़ क्या होगा, कहाँ पे यूज़ करेंगे हम लोग ब्लॉक साइज। बट इसको पहले अभी हम लोग बात करेंगे ब्लॉक साइज कैलकुलेट कैसे करना है। देखो जो लास्ट बिट है इसकी वैल्यू देख लो, इसको जब आप कन्वर्ट कर रहे थे डेसिमल में तो इसकी वैल्यू निकल के आती है 62, इसकी वैल्यू थी 192। जब प्लस 128 इनको आप प्लस कर रहे थे वैल्यू आ रही थी 192। तो ये लास्ट बिट है इसकी जो डेसिमल वैल्यू है वो आपका क्या रहेगा? ब्लॉक साइज रहेगा। एक तो ये है मेथड हमारे पास में ब्लॉक साइज कैलकुलेट करने का। एक और मेथड है हमारे पास में, हम लोग क्या करेंगे 256 में से माइनस करेंगे इस सबनेट मास्क में जो वैल्यू वेरी कर रही है, लाइक 192 वेरी कर रही है 192 इक्वल टू क्या आ जाएगा 64। ये दो मेथड, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं ब्लॉक साइज कैलकुलेट करने के लिए। तो ये था हमारा स्टेप नंबर थ्री। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? जो एक सिंगल नेटवर्क था सी क्लास का वो स्लैश 26 बिट यूज़ कर रहा है, तो एक सिंगल नेटवर्क आपका फोर सब नेटवर्क में डिवाइड हो जाएगा। ईच सब नेटवर्क हमें नंबर ऑफ वैलिड जो आईपी मिलेंगे वो मिलेंगे 62 आईपी एड्रेस, और जो सबनेट मास्क रहेगा 255.255.255.192 एंड ब्लॉक साइज विल बी 64।
स्टेप नंबर फोर, स्टेप नंबर फोर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आइडेंटिफाई द सब नेटवर्क आईडी रेंज ऑफ वैलिड आईपी एड्रेस एंड ब्रॉडकास्ट आईडी, ये तीन चीजें कैलकुलेट करनी है हमने। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में, मैं यहाँ पे लिखूंगा, टेबल बना लेंगे, यहाँ पे हमारे पास में सब नेटवर्क आईडी आ जाएगी, यहाँ पे रहेगी रेंज ऑफ वैलिड आईपी एड्रेस और यहाँ पे हमारे पास में रहेगा ब्रॉडकास्ट आईडी। ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करेंगे हम लोग। तो हमारा जो मेन नेटवर्क था वो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 192.168.1.0। तो जो ब्लॉक साइज है वो हमने यहाँ पे ऐड करना है। ब्लॉक साइज हम लोग जो ऐड करेंगे, ब्लॉक साइज हमने कैलकुलेट जो किया था वो इस सबनेट मास्क में कौन से ऑक्टेट से कैलकुलेट किया था, वो हमने कैलकुलेट किया था फोर्थ ऑक्टेट से। तो फोर्थ ऑक्टेट में हम लोग ये ब्लॉक साइज ऐड करेंगे, तो ब्लॉक साइज कितना निकल गया था 64। वो 64 ब्लॉक साइज आप ऐड करते रहोगे फोर्थ ऑक्टेट में 1.64 192.168.1.128 192.168.1.192। नेक्स्ट जब आप देखोगे यहाँ पे वैल्यू रहेगी 192.168.1. यहाँ पे 64 है, जब आप ऐड करेंगे 256 आएगा। हम लोग यहाँ पे वैल्यू 256 कभी यूज़ कर नहीं सकते, चेंज कहाँ पे आएगा, चेंज आएगा इस थर्ड ऑक्टेट में। इसको जैसे आप चेंज करोगे हमारा मेन जो नेटवर्क है वो चेंज हो जाएगा, तो इसको हम लोग यूज़ नहीं करने वाले हैं। तो चार सब नेटवर्क निकलने थे, ये हमारे चार सब नेटवर्क है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, चार सब नेटवर्क निकले थे हमारे। तो अगर हम लोग, ये तो आ गई हमारी सबनेट आईडी। ओके, अब हम लोग बात करते हैं रेंज ऑफ वैलिड आईपी क्या रहेगी। तो इसकी अगर मैं रेंज स्टार्ट करूँ, इसका जो फर्स्ट आईपी रहेगा वो फर्स्ट आईपी क्या रहेगा, फर्स्ट आईपी रहेगा 192.168.1.1 से कहाँ तक रेंज रहेगी इस नेक्स्ट सबनेट से, दो आईपी आप माइनस करेंगे तो 192.168.1.62, वो जो इसका नेक्स्ट आईपी जो रहेगा वो आपका ब्रॉडकास्ट आईडी आ जाएगी 1.1.1.63। अगर इसकी रेंज हम लोग देखें 192.168.1.64 का नेक्स्ट आईपी क्या रहेगा 65.2, अप टू जाएगा आपका ये 192.168.1. इसे नेक्स्ट नेटवर्क का जो आईपी माइनस करेंगे, इसका जो नेक्स्ट आईपी रहेगा 192.168.1.127। ये ब्रॉडकास्ट आईपी रहेगी इस नेटवर्क की, सबनेट। इसकी आईपी एड्रेस क्या रहेगी 192.168.1.1292 192.168.1.190। इसका नेक्स्ट जो आईपी रहेगा वो बन जाएगी इसकी ब्रॉडकास्ट आईडी 191। इसका जो नेक्स्ट आईपी रहेगा वो रहेगा 192.168.1.192.168.1.254। इसका जो नेक्स्ट आईपी रहेगा वो रहेगी इसकी ब्रॉडकास्ट आईडी 192.168.1.255। ओके, तो एक जो सिंगल नेटवर्क था हमारा 192.168.1.0/24 वैल्यू जब आप यूज़ करें तो एक सिंगल नेटवर्क था। जैसे मैं यहाँ पे /26 बिट यूज़ करता हूँ, तो जो ये आपका सिंगल नेटवर्क है वो फोर
सब नेटवर्क में डिवाइड हो जाएगा। फर्स्ट आपका सब नेटवर्क निकलेगा, ये इसकी रेंज क्या रहेगी, इसमें नंबर ऑफ आईपी एड्रेस की ये रेंज रहेगी, और इस नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट आईडी ये रहेगी। ऐसे ही सेकंड जो नेटवर्क निकल के आएगा सब नेटवर्क ये, और इस सेकंड सब नेटवर्क में हमारे आईपी एड्रेस की रेंज ये रहेगी, और ये क्या रहेगा आपका ब्रॉडकास्ट आईडी। इसी तरह से ये हमारा थर्ड नेटवर्क आईडी रहेगी, ये उसकी वैलिड आईपी एड्रेस की रेंज रहेगी इस नेटवर्क में, और इस नेटवर्क में ये रहेगा हमारा ब्रॉडकास्ट आईपी। इसी तरह से हमारा रहेगा थर्ड फोर्थ नेटवर्क सब नेटवर्क, और इसके आईपी एड्रेस की रेंज रहेगी वो ये रहेगी, ये रहेंगे हमारी, ये रहेगी एक ब्रॉडकास्ट आईडी। ओके, तो देखो यार, पहले आप सबनेट मास्क क्या यूज़ करते थे, जब ये आईपी दे रहे थे 192.168.1.12.254, तब आप जब आईपी रेंज ये दे रहे थे मशीन्स पे, तो क्या था, जब आप सबनेट मास्क यूज़ कर रहे थे, आप यूज़ कर रहे थे 255.255.255.0/24 पे, तो वो क्या रहा था, ये जितने भी आईपी हैं नंबर ऑफ आईपी वो सारे एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे थे। बट अभी क्या होगा, अब आईपी वही मशीन्स को कॉन्फ़िगर करेंगे, कंप्यूटर्स पर वही आईपी कॉन्फ़िगर करेंगे 192.168.1.12 अप टू 192.168.1.254, बट जो आप सबनेट मास्क यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ कर रहे हैं 255.255.255.192/26 का। एक सिंगल सबनेट, तो एक सिंगल नेटवर्क है वो फोर सब नेटवर्क में डिवाइड होगा। अब क्या होगा, ये जितनी भी मशीन्स है एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रही होंगी, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रही होंगी, एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगी, एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगी, बट इनके बीच में इंटर कम्युनिकेशन नहीं होगा। ओके, तो यही था, अगर आप एक सी क्लास के कोई भी एक नेटवर्क अगर आपने सब नेटवर्क में डिवाइड करना है। अब देखिए, अगर मैं क्लास बी का एग्जांपल ले लेता हूँ, क्लास बी का कोई भी एक आप एग्जांपल ले लो, क्लास बी का एक नेटवर्क है, लेट्स सपोज 172.16.0.0, बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता है 16 का, /16 का। अगर मैं यहाँ पे /20 यूज़ करता हूँ, और क्लास ए का कोई भी नेटवर्क, लेट्स सपोज 10.0.0.0, बाई डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता है /8। मैं स्लैश वाली यूज़ कर रहा हूँ, लेट्स सपोज /15, तो एक सिंगल नेटवर्क कितने सब नेटवर्क में डिवाइड होगा, ई सब नेटवर्क, नंबर ऑफ वैलिड आईपी एड्रेस क्या रहेंगे, सबनेट मास्क क्या रहेगा, ब्लॉक साइज क्या रहेगा। तो वो चार स्टेप आपने फॉलो करने हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट, नंबर ऑफ वैलिड नेटवर्क बन जाएंगे, एक सिंगल नेटवर्क आपके कितने सब नेटवर्क में डिवाइड हो जाएगा। स्टेप नंबर टू में आप क्या कैलकुलेट करोगे, स्टेप नंबर टू में आप कैलकुलेट कर लोगे ई सब नेटवर्क कितने नंबर ऑफ वैलिड आईपी मिलेंगे। स्टेप नंबर फोर में आप लोग कैलकुलेट कर लोगे नंबर ऑफ सॉरी सबनेट मास्क क्या रहेगा एंड ब्लॉक साइज क्या रहेगा स्टेप नंबर थ्री में, एंड स्टेप नंबर फोर में आप कवर करोगे सब नेटवर्क आईडी क्या बनेगी, रेंज ऑफ वैलिड आईपी एड्रेस क्या रहेंगे, एंड ब्रॉडकास्ट आईडी क्या रहेगी ई सब नेटवर्क में। तो ये स्टेप फॉलो करने आप लोग ईजिली इन दोनों नेटवर्क को सब नेटवर्क में डिवाइड कर सकते हैं। तो आप लोग इसकी खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये था आपका सबनेटिंग।